जय श्री राम। सोमवार को उत्तराखंड के हरिद्वार से हजारों कलशों में जल भर करके रवाना कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद श्री राम के बांस रूप की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हरिद्वार से हर की पेड़ी ब्रह्म कुंड से कलशों में गंगा जल अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया है। अयोध्या में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। किसी राज्य से मिट्टी तो किसी राज्य से फूल भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार से उत्तराखंड के हरिद्वार से हजारों कलशों में गंगा जल भरकर रवाना कर दिया गया है और इसको खुद धामी जी ने इसके लिए सोमवार को हर की पेड़ी पहुँचे थे और धामी जी ने माँ गंगा की पूजा अर्चना कर फिर मंत्रों उच्चारण के बीच में गंगा का पवित्र जल अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। इस दौरान पूरा हर की पेड़ी राममय नजर आ रहा था। बड़े पैमानों पर श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। इस दौरान आकाश में हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा की गई। कई घंटों तक पूरा हर की पेड़ी जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा था। ब्रह्म कुंड घाट को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। सबसे पहले राजा स्वयं द्वारा ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर विराजमान होने के कारण वर मांगा गया, जिसमें सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी यहाँ पर विराजमान हुए और इस कारण इसका नाम ब्रह्मकुंड घाट हुआ। वही दूसरी मान्यता है कि भागीरथ द्वारा घोर तपस्या की गई, जिसमें माँ गंगा भगवान विष्णु के चरणों में ब्रह्मा के कमंडल में भगवान शिव की जटाओं और उनकी जटाओं से धरती लोक पर पहाड़ियों से होते हुए सबसे पहले मैदानी क्षेत्र हरिद्वार से में आई। इस एक मान्यता यह भी है कि यहाँ पर देवी दानों में समुद्र मंथन के द्वारा निकले अमृत कमर्श के लिए युद्ध हुआ, जिसमें ये अमृत की कुछ बूंद छलक कर उस सबसे पहले हरिद्वार में गिरी। इस कारण यहाँ पर पवित्र जल, जो यहाँ का जल सबसे पवित्र माना जाता है। हर की पौड़ी का नज़ारा उस वक्त तो अलौकिक हो गया जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का यह गीत गाकर लोगों का धन्यवाद किया और हेलीकॉप्टर के माध्यम से साधु संत और राम भक्तों द्वारा हरिद्वार जिला प्रशासन और पुष्प वर्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस दिन की हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी, 22 जनवरी को वह दिन हमें नसीब हो रहा है। माँ गंगा के स्थान हरिद्वार का यह काफ़ी महत्व रहा है। सीएम ने कहा, हरिद्वार में से राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हो गई है। आज हम यहां से गंगोत्री यमुनोत्री सरयू और हरिद्वार का जल राम मंदिर के लिए भेज रहे हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में हरिद्वार के लोग भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस पल के हम साक्षी बने हैं। यहां से हरिद्वार से जो गंगा जल पवित्र गंगा जल भेजा जा रहा है राम मंदिर के लिए, हम वहाँ ना जा सकते हैं तो हम यहाँ से ही उसका आशीर्वाद ग्रहण कर लें। बोलो जय श्री राम।